अलैकुम, माय नेम इज नोमान अहमद मेमन। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन क्या है और हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम लिखते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड defined collection of distinct objects। इसमें सेट में दो चीजें अहम होती हैं, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स हों वो बिल्कुल वाजिए हों, क्लियर हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि चेंज, मतलब उनमें रिपीटेशन ना हो। जो ऑब्जेक्ट्स हों वो एक दूसरे से जुदा जुदा हों, उनमें रिपीटेशन ना हो। एग्जाम्पल के हम लिखते हैं कि मंथ्स ऑफ दी ईयर। ये जो सेट है, साल में जो महीने होते हैं उनका सेट है। साल में 12 महीने हैं, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इनमें रिपीटेशन नहीं है। इनको हम सेट कह सकते हैं कि ये हमारा जो सेट है वेल डिफाइंड है, इसको हम सेट कह सकते हैं, ये हमारा सेट है। इसके अलावा वावल्स ऑफ दी इंग्लिश अल्फाबेट के जो 5 वावल्स होते हैं उनका सेट है, ये भी वेल डिफाइंड है, इनमें रिपीटेशन नहीं है, हम इसको सेट कह सकते हैं। ये दो जो हैं ये हमारे सेट हैं क्योंकि वेल डिफाइंड हैं। इसके अलावा जो सेट नहीं होंगे वो हम लिखते हैं कि गुड स्कूल्स इन कराची में जो अच्छे स्कूल हैं उनका सेट। ये असल में पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि किसके लिए कौन सा स्कूल अच्छा है, इसको हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो है ये पर्सनल चॉइस पे शो करता है। इसके अलावा है फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। ये जो है ये भी पर्सनल चॉइस पे शो करता है। ये असल में हर किसी की अपनी चॉइस है कि उसको कौन सा फ्लेवर पसंद है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसको भी हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। उनमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्मॉल एबीसी से लेते हैं। हम लिखते हैं कि ए, सपोज हमारा एक सेट है, ए हमने सेट लिया है, सेट हमारा क्या है ए। हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, उनमें हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं ए बी सी डी ई। ये हमने देखें ए से लेके ई तक हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, लेटर्स लिए हैं, ये बिल्कुल सिमाल एबीसी से लिए हैं। ये हमारा एक सेट है, वेल डिफाइंड है, इसको हम सेट कहेंगे। लेकिन अगर सपोज मैं लिखूं कि ए इक्वल टू ए बी सी बी ई, ये जो सेट है इसको हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इनमें रिपीटेशन है। बी देखें, इधर भी है, इनमें रिपीटेशन हो रही है। हम सेट कर रहे हैं कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। ये वेल डिफाइंड नहीं है, डिस्टिंक्ट है, मतलब इनमें रिपीटेशन है, इसको हम सेट नहीं कहेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम सेट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।